स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज भारत एक नई दिशा के अंदर बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है सभी फील्ड्स के अंदर। और मैं आज के युवाओं से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि भारत के निर्माण के अंदर वो अपनी शक्ति झोंक दे। भारत के निर्माण में आज का जो युवा है वो सबसे बड़ी हमारी कड़ी है। इस भारतवर्ष को भ्रष्टाचार मुक्त और विश्व गुरु बनाने में सभी का योगदान चाहिए, लेकिन युवा वर्ग का विशेष योगदान चाहिए, महिलाओं का विशेष योगदान चाहिए। इस मौके पर मैं सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं अशोक नारंग, पार्षद वार्ड नंबर 8, प्रधान पानीपत हैंडलूम शाल एसोसिएशन की तरफ से सभी देशवासियों को, अपने शहरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत हमारे देश में कभी दंगे ना, हमारे देश में सुख शांति रहे, हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। और मैं अपने शहरवासियों से अपील भी करूंगा इस 15 अगस्त के मौके पे, आओ हम एक शपथ दें। मैं खासकर अपने युवा पीढ़ी से एक निवेदन करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि हम अपने शहर को एक स्वच्छ शहर बनाएं, गंदगी से दूर करें। जहां कहीं भी हम गंदगी दिखे, जो गंदगी फैलाते हैं उसको रोके, उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें हम लोग। और आज़ादी के दिन हम ये भी प्रण लें कि हम अपना शहर, अपना इसको मुक्त बनाएंगे, गंदगी मुक्त बनाएंगे, स्वच्छ अपना शहर बनाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी शहरवासियों को, अपने देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे अभय चौटाला। मीडिया से रूबरू होते हुए बोले, सरकार हर तरफ से नाकामयाब साबित हुई है। अभय चौटाला ने कहा कि बीएसपी के गठबंधन के बाद भिवानी में एसवाईएल के लिए जेल भरो आंदोलन के चलते गिरफ्तारी दी थी और सरकार ने एसवाईएल के मुद्दे के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया था। सरकार ने कोई भी एसवाईएल का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया। सरकार की वादा खिलाफी के चलते अगस्त में जिले से 100 वकील जंतर मंतर पर धरना देंगे और गिरफ्तारियां देंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। 18 अगस्त को पार्टी के कार्यकर्ता सभी छोटे बड़े दुकानदारों के पास जाकर दुकान व अपने संस्थान बंद रखने का आग्रह करेंगे। हमारी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के एक निर्णय लिया था, भिवानी की 17 तारीख की जो हमारा जेल भरो आंदोलन था 19 का, उसके अंदर कि या तो सरकार उससे पहले एसवाईएल नहर का निर्माण शुरू करवाए, हमें कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से मिले। अब तक ना तो सरकार की तरफ से हमें कोई ठोस आश्वासन मिला और ना सरकार ने इस पर कोई कदम अब तक आगे बढ़ाया। इसके लिए 9 तारीख को तो हरियाणा प्रदेश के हर बार से 100-100 से ज़्यादा वकील दिल्ली के जंतर मंतर पे जाएंगे और वहाँ जा करके अपनी गिरफ्तारियाँ भी देंगे और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भी दे करके आएंगे। और उसके बाद फिर 18 तारीख को हम हरियाणा प्रदेश के हर व्यापार करने वाले व्यक्ति के पास उससे पहले जाएंगे, चाहे कोई छोटा दुकानदार है और चाहे कोई बड़ा होटल चलाने वाला, चाहे कोई बड़ा शोरूम चलाने वाला, हम सबसे जा कर के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक दिन के लिए प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो, इसके लिए अपने प्रतिष्ठान जो है, जो दुकानें हैं उनको बंद करने का काम करें। हम रेड़ी वाले के पास भी जाएंगे, हम तो खोखे वाले के पास भी जाएंगे, पूरा हरियाणा प्रदेश के जीटी रोड के ऊपर जो ढाबे हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी कहेंगे कि वो भी एक दिन बंद रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है इस सरकार के खिलाफ़ आज हर वर्ग का व्यक्ति इसके खिलाफ है, इससे दुखी है,
रोज लोग अपने अपने तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ धरने दे रहे हैं। अब तो ऐसी हालत होगी कि प्रधानमंत्री की सभा में लोग डंडे लेके जाते हैं और इनके एमएलओं को डंडों से पीटने का काम भी करते हैं। मैं शेर सिंह खरब, एडवोकेट प्रधान जिला बार एसोसिएशन, 15 अगस्त के अवसर पर 71वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने प्रदेशवासियों को, जिला पानीपत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रदेश व देश में तथा जिला में विकास कार्य हों और सारी जनता सुखी रहे, ये मेरा संदेश है। 15 अगस्त की तो मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को और हल्का पानीपत ग्रामीण वासियों को, पूरे परिवार इंडियन नेशनल लोकदल परिवार को अपनी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आने वाले 15 अगस्त को इस देश के अपने पानीपत हरियाणा के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि देश इसी तरह तरक्की करे, और सभी साथियों को एक विश्वास देता हूं कि आने वाली जो कांग्रेस की सरकार आएगी, आपके वायदों को, जो हम कांग्रेस आज वायदे घर घर जाने का बयान दे रही है, पूरा विश्वास है कि सबके वायदे पूरे होंगे, लोगों की आशाओं पे हम फिर टिकेंगे, और कांग्रेस हमेशा विकास का जो नारा दिया है और विकास करती रही है और करेगी, और लोगों को जो मान और सम्मान पहले कांग्रेस ने दिया उससे ज़्यादा ही मान और सम्मान उनको दिया जाएगा। मैं मुकेश सैनी पानीपत से सभी देशवासियों को, वह पानीपत के ग्रामीण व पानीपत शहरी से सभी को मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं अपने देशवासियों से और पानीपत सभी शहरवासियों से मैं यही आशा करता हूं, वह विनती करता हूं, सभी भाईचारा बना कर रखें और सभी एकता का परिचय दें। मेरी सभी से ये दोबारा फिर यही है, सभी भाईचारा बना कर रखें और सभी से मेरी दोबारा से 15 अगस्त की सभी देशवासियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान उनको सुख समृद्धि अच्छे दे। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आरएपीजी कॉलेज पानीपत, सभी शहरवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन सबसे पहले मैं आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से उन सभी देशभक्तों को, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज के दिन हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि अपने देश हित में अपना कार्य वो ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और अपने देश को आगे ले जाने में हर संभव सहयोग दें। प्रदेश में अपने बोल के लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने भी नई पारी खेलने की घोषणा कर दी है। आगामी 2 सितंबर से पानीपत के सेक्टर 13-17 के ग्राउंड से राजकुमार सैनी अपनी नई पार्टी की विधिवत घोषणा करेंगे। आज अपनी रैली को लेकर पार्टी नेताओं से वार्ता करने पानीपत पहुंचे थे राजकुमार सैनी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब बेरोजगारों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी पार्टी को कब छोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट दिया था, जिताया जनता ने, इसलिए वह पहले भी जनता के हकों की लड़ाई लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। सैनी ने कहा यशपाल मलिक के पास चंदा समाप्त हो गया है, इसलिए दोबारा प्रदेश को जलाने के लिए चेतावनी दे रहा है। जिला से और हलकों से लगभग 150 आदमी बुलाए हुए हैं, हलका अध्यक्ष और
जिला अध्यक्ष युवा इकाई के, तो उनके साथ मीटिंग है रैली को लेकर के चर्चा करने पर कि कैसे कैसे इंतजाम करना है, कि जिस प्रकार का भेदभाव इस 10% लोगों के मुख्यमंत्रियों ने, 5-5 मुख्यमंत्री इस प्रदेश के भाईचारे को खराब करने के साथ साथ सभी भाइयों का हक छीन करके अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, 10% लोगों के पास 52% नौकरी और 90% लोगों के पास 48% नौकरी। आंकड़े दर्शाते हैं कि लोग भाईचारे का भाषण देते रहे और लोगों के हितों का इस्तेमाल करते रहे। आज अगर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, दादागिरी और जो माहौल खराब हुआ उसका सिर्फ और एक सिर्फ कारण है कि एक ही समाज से 5 मुख्यमंत्रियों ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि बाकी के लोगों को वो भेड़ बकरी समझ रहे हैं, जबकि सभी के हितों का की सुनिश्चितता तभी हो सकती है। आज कहीं मराठे, कहीं कापू, कहीं पटेल, कहीं जाट, सब बैकवर्ड के हित को साधने में लगे हुए हैं और उनके हितों को छीनने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, लेकिन उसके उपरांत भी लोग डंडे के बलबूते सरकार को डरा करके अपने मंसूबे साधने में लगे हुए, और डरती हुई सरकार ने उनको 5 मिनट में बिना किसी कानून के, बिना किसी सिफारिश के आरक्षण दिया, जिसको अब जाकर के हमने हाई कोर्ट में स्टे कराया और सरकार को नोटिस दिलाया कि सरकार ये बताए कि इस जाति के पास कितनी सरकारी नौकरी है और उसके पास उसकी जनसंख्या का अनुपात क्या है। ये वो आंकड़े हैं जो 10% लोग हैं, अपने आप को कभी 25 और 30% बताते हैं। कोई भी जाति किसी ने शर्त लगानी वो हमारे से लगाए और साबित करके बताए, 10% को क्रॉस नहीं करती। उसकी चेतावनी बंद कब हुई? वो तो रोजाना सड़कों पे खड़ा है लोगों के, उसको तो चंदा चंदा कलेक्ट करना है लोगों से। अब वो पहले चंदा हजम कर गया होगा, अब और चंदे की जरूरत है तो अब और दोबारा फिर विद्रोह करके प्रदेश का माहौल खराब करना चाहता है। सरकार में मंत्री या नायब सिंह, मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं हूँ, यही करके दिखा देगा और आने वाले चुनाव में आटे दाल का भाव पता लग जाएगा कि किसने क्या किया। हमने तो भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी बंसीलाल पे, भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी ओम प्रकाश चौटाला पे, दोनों बार सरकार छोड़ दी और आज भी जब भेदभाव होने लगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद जो 90% लोग हैं वो भेड़ बकरी बना करके चराए जा रहे हैं, और जिसमें 52% पिछड़ा वर्ग है जिनके पास सिर्फ 12% नौकरी है, वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में, ये लोग उनके बारे में तो बोल नहीं सकते, उनका पक्ष तो ले नहीं सकते, क्योंकि जिसने कभी सत्ता नहीं देखी उसे तो भूख अपनी भूख मिटाने के लिए सत्ता मिली है। तो इस वास्ते मैं ज़्यादा उस पर कोई चर्चा ना करके, पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में कि क्या हालत है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन अगर सारी टिकटों वाले लोग जीत गए तो फिर 543 सीटें आनी चाहिए थी, 282 नहीं रहनी चाहिए थी। वोट मुझे जनता ने दिए, मेरा सरोकार सीधा जनता से है, एमपी मुझे जनता ने बना रखा, टिकटां तो 543 लोग लेके गए थे। इसलिए अपना सीधा सीधा मकसद है कि पार्टी चाहे तो जो मर्जी निर्णय ले, लेकिन एमपी तो मैं जनता का बनाया हूँ और जनता की समस्याओं को उजागर करना मेरा धर्म है, उनको मैं उठा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पानीपत जिला परिषद से सदस्य हूं और मैं अपने युवा भाजपा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं पहले, तो मैं अपनी तरफ से सभी जो हमारे जो अपने जिला के निवासीगण हैं उन सब सम्मानित तब निवासीगणों को मैं आने वाली स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और उन सब से अपील करता हूं कि वे अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखें
वो जो समाज में और जो सरकार की जो जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को भी उसके अंदर आना प्रेरित करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि आने वाला ज़माना शिक्षा का ज़माना है और उसके बिना उनके बच्चे उस कंपटीशन के क्षेत्र में आना पिछड़ जाएंगे। तो मैं फिर से अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और हार्दिक अपनी तरफ से बधाई देते हुए हम जी।